और भैया लोग कैसे हैं? सब बढ़िया। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से खेल रहे होंगे, क्योंकि हम तो नहीं खेल पा रहे हैं अच्छे से। आप ही लोग खेल लो अच्छे से। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, बताते हैं थोड़ा देर में, थोड़ा बतिया लेते हैं आप लोग से, है कि नहीं। अब हुआ ये कि हम थे 10 बिलियन के करीब, मेरे को बस कुछ ही बर्लिन जीतने थे, यही कोई 20-30 बर्लिन। थोड़ा ज़्यादा हो गया क्या? थोड़ा डाइजेस्ट कर लेना यार, ठीक है। तो हम सोचे कि खेलते हैं, और अच्छा ही जा रहा था बर्लिन, मतलब हम जीत रहे थे। लेकिन कुछ लोगों को देखा नहीं जाता है, उन कुछ लोगों में से आते हैं मिनी क्लिप, और आते हैं थोड़े मिनी क्लिप, और भी हैं, मिनी क्लिप है, और सब वही है जो आपका खुशी देखा नहीं जाता है उन लोगों से। तो वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, आपको वीडियो में दिख जाएगा आगे। बहुत दर्दनाक वीडियो है भाई, देखना ज़रूर। मतलब हम तो सीधा सीधा खेल रहे थे कि हाँ सिंपल सिंपल खेलना है, जल्दी जल्दी खेलना है और कॉइन से बनाना है। अब एक नॉर्मल प्लेयर कैसे बनाएगा कॉइन, आप कैसे बनाइएगा कॉइन, हम कैसे बनाएंगे कॉइन? तो बर्लिने खेल के बनाएंगे, जल्दी जल्दी बनाना होगा तो बर्लिन खेलेंगे। ज़्यादा पैसा आ गया है तो पैसा फूक देंगे इस गेम, फूक देंगे वेनिस में, जिसमें सारा कॉइन्स आपका ले जाएगा चीटर्स लोग बहुत आसानी से। अब नॉर्मल प्लेयर हम तो यही सजेस्ट करेंगे भैया कि आपको अगर कॉइन्स बनाना है तो या तो मुंबई खेल के बना लो या तो बर्लिन खेल के बना लो। और अगर आप बहुत चाहते हो कि आपका कॉइन्स ना जाए तो भैया मत खेलो, नॉर्मल गेम खेलो, बस इंटरटेनमेंट के लिए खेलो, क्योंकि कॉइन्स बनाना बहुत मुश्किल हो गया है, हर जगह आपको चीटर्स मिल जाएंगे। सिर्फ बर्लिन का ही बात नहीं है, वेनिस में तो लोग पैसा दे मतलब अपना दिल तुड़वा रहे हैं। बर्लिन तो फिर भी ठीक है, आप पैसा तो नहीं दे रहे हो कम से कम, हैं फ्री में दिल तुड़वा रहे हो। जो इनडायरेक्ट खेल के थोड़ा कॉइन्स बनाना चाहते हैं वो बर्लिन और वेनिस में जाते हैं, धीरे धीरे बनाना है तो रोम में जाते हैं, और जो डायरेक्ट खेल के बनाना चाहते हैं वो मुंबई में जाते हैं, और या तो फिर 9 बॉल में चले गए 20 मिलियन के टेबल पे। और चीटर्स को सब पता है आप कहाँ कहाँ जाते हो, कहाँ कहाँ से वो कॉइन्स ले सकते हैं, क्योंकि उन लोग को भी तो जल्दी जल्दी कॉइन्स बनाना है ना, तो वो लोग भी बड़े बड़े टेबल पर आपको मिल जाएंगे। तो बस आप जाओ उनके साथ खेलो, वो आपके साथ खेल लेंगे, और बस हो गया आपका कांड, हो गया आपके साथ। कॉइन्स आने के बाद बचता क्या है आपके पास? दुख, दर्द, पीड़ा और गुस्सा, गाली, यही सब बचता है। आप क्या कर सकते हो, प्रोफाइल खोल के रिपोर्ट कर सकते हो, उससे होता क्या है? कुछ नहीं, मैं लिख के बताता हूँ आप लोग को, कुछ नहीं होता है उससे, ठीक है। आप रिपोर्ट कर दो, मिनी क्लिप कान में तेल डाल के सोया हुआ है, वो आपका सुनेगा नहीं, उसका डेवलपर कुछ करेगा नहीं, और आप सिर्फ अपना देते रहो कॉइन्स। अभी का तो ऐसा सीन हो गया है, अगर आपको चीटर्स मिल गए और किसी तरीके से चांस उनके पास है तो भूल जाओ, आपको चांस भी नहीं मिलने वाला है। पहले का टाइम था जब नया नया सब गेम आया था, या फिर नया नया चीट कह सकते हो, जब चीट आया था तो उस वक्त तो पहले तो 2 लाइन वाला होता था, 2 लाइन 3 लाइन लंबा लाइन यही सब। और अगर चीटोज इंट्रोड्यूस भी हुआ था तो उस वक्त क्या था कि कभी कभी ऐसा होता था, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ऐसा होता था कि चीटर्स लोग अपना चांस मिस कर देते थे, या फिर उनका बॉल कहीं फंस जाता था तो शॉट कैलकुलेट नहीं हो पाता था, तो अपोनेंट को चांस मिल जाता था, और उनको मिला तो स्किल्स है तो आप जीत गए, नहीं तो फिर से चांस दे दो तो दोबारा तो मिलने वाला नहीं है भैया। लेकिन अब ऐसा सीन हो गया है कि टेबल पे तो बॉल ही नहीं बचता है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि 15 का 15 बॉल फिनिश हो जाता है, टेबल एकदम साफ नीट एंड क्लीन, जैसे कि उस पर कुछ था ही नहीं। तो एडवांस हो गया है, तो एडवांसमेंट के साथ आपसे लिया जा रहा है आपका कॉइन्स। और अगर मिनी क्लिप को पता चल गया ना कि आप कॉइन्स बना रहे हो, आप मतलब अच्छे से खेल खेल के कॉइन्स बना रहे हो, फिर वो आपके पीछे ऐसा कुत्ता छोड़ता है, कुत्ता ही बोलेंगे ऐसे चीटर्स, चीटर्स तो मिनी क्लिप के कुत्ता ही है, वो जब चाहता है जिधर चाहता है छोड़ देता है, तो वो आप लोग के पीछे मतलब प्लेयर्स के पीछे फिर कुत्ता छोड़ देता है, और फिर जो होता है वो देख लीजिए वीडियो में आगे क्या होता है, आपको दिख जाएगा सब कुछ साफ साफ एकदम। A few moments later. भाई देख रहे हो ना एक बार में कितने कितने बॉल जा रहे हैं, ऐसे में जब बॉल बचेगा ही नहीं तो बॉल फंसेगा कहाँ। मतलब हम भैया यहाँ सोच के बैठे थे कि 10 बिलियन करेंगे, कॉइन्स ही कॉइन्स होगा एकदम, वो सुने हो ना पैसा ही पैसा वाला वो होगा, लेकिन हुआ क्या खुद ही देख लो यार। मतलब हम जीत रहे थे, ठीक है बर्लिन जीत रहे थे, लेकिन हुआ ये कि मिनी क्लिप को ये चीज़ देखा नहीं गया कि भैया ये जीत कैसे सकता है, इसको इतना जल्दी कैसे मिल जाएगा इतना इतना कॉइन, हम यहाँ चीटर्स के पीछे पागल हो रखे हैं
कि उससे पैसा ले रहे हैं, उसको हमको इतना चीज़ फैसिलिटी देना है, लेकिन एक नॉर्मल प्लेयर आएगा वो इतना जीत जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा भैया? तो भैया वो लगा दिया मेरे पीछे, छोड़ दिया, लो अब कैसे जीतोगे, अब तुम्हारा जितना कॉइन जीते हो सब ले लेंगे हम अलग अलग तरीके से, और कैसे कैसे गया वो सब खुद ही देख लो। आपका भले 16 का विन स्ट्रिक ना हो, 10 का भी विन स्ट्रिक ना हो बर्लिन में, लेकिन ऐसे ऐसे जो चीटर्स हैं ना, इनका 16 तो क्या, इनका 20-20 30-30 का भी विन स्ट्रिक हो सकता है। बस आपको मिल जाए तो समझिए आपका लग गया है लंका, नहीं मिले तो खुदकिस्मत है आप जो अभी तक नहीं मिला है कि नहीं? मेरे को तो मिल गया था, मतलब जब लगना होता है ना तो चारों तरफ से लगते हैं, क्योंकि सिर्फ बर्लिन ही नहीं मुंबई भी खेल रहे थे, सोचे भैया धीरे धीरे बनेगा लेकिन बन जाएगा भैया, लेकिन यहाँ अभी मिल गए, क्या ही बोलें इन लोग के लिए ना, मेरे को एक वर्ड बनाना पड़ेगा जो आप लोग भी बोलें और अच्छा लगे सुन के, थोड़ा बुरा भी लगे सुना के, थोड़ा बनाना पड़ेगा। आप लोग कोई सजेशन दे सकते हैं तो दे दीजिएगा। बस देखिए दर्दनाक चीज़ ये सब, दर्द है और क्या है, ये सब दर्द ही है। फिर सोचे कि था कि रोम खेलेंगे, लेकिन रोम में भी तो आजकल बर्लिन ज़्यादा रोम में आ रहे हैं, क्या ही बोलें भैया, हर प्लेयर ही लगता है जैसे चीटर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एट बॉल पूल में ही इतना गंद मचा हुआ है, सब जगह यही हाल है, जितना भी ऑनलाइन प्लेयर मल्टीप्लेयर गेम है ना, सब जगह फैले हुए हैं ये लोग दर्द देने के लिए। दर्दनाक दृश्य है ये सब, देख लीजिए, क्योंकि एक समय आएगा जब या तो सब चीटर्स ख़त्म हो जाएंगे या तो सब अच्छे प्लेयर्स ख़त्म हो जाएंगे, ये तो तय है, ये तो होगा ही एक ना एक दिन, अगर गेम वालों ने कुछ नहीं किया ना तो। सही बता रहे हैं, गेम खेलने के लिए गेम ही नहीं बचेगा, गेम तो रहेगा लेकिन खेलने के लिए नॉर्मल प्लेयर नहीं रहेंगे, सारे या तो बॉट्स रहेंगे या तो यही जो दिख रहा है वही लोग रहेंगे सिर्फ, क्या ही बोले भैया, हम तो थक चुके हैं रो रो के, गाली दे दे के मन ही मन बहुत गाली देते हैं, लगे तब ना इन लोग को लगता ही नहीं है, फिर सोचते हैं किस्मत इन लोग के साथ कुछ करेगा, तो छोड़ो क्या कर सकते हैं, अब खेल रहे हैं तो खेलते हैं, जिस दिन टूट जाएगा उस दिन डिलीट कर देंगे, फिर किसी न किसी दिन डाउनलोड कर देंगे, फिर यही हाल होगा, गेम खेलने आएंगे चीटर्स मिलेंगे, कॉइन जाएगा रोएंगे और क्या, गरियाएंगे, थोड़ा हम भी खाएंगे, थोड़ा आप लोग को भी सुनाएंगे कि सुनिए भैया कितना दर्द है हमारे अंदर, है कि नहीं? आप लोग को जो बोलना होगा कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, आप लोग के अंदर कितना दर्द भरा हुआ है, आप लोग को क्या लग रहा है, कैसा जा रहा है गेम, बताइएगा थोड़ा। अब ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें बेकार है, बहुत कुछ बेकार है इस गेम में। अब आप रिपोर्ट करते हो, आपको ये भी नहीं पता रहता है कि आपके रिपोर्ट पे क्या एक्शन लिया जा रहा है नहीं लिया जा रहा है, सीधा बोल जाता है नहीं बताएंगे, जाओ जो उखाड़ना उखाड़ लो, अब छोड़ो यार कितना रोएंगे, हम भी चलते हैं, आप लोग भी जाओ, बस स्वस्थ रहो मस्त रहो खेलते रहो, नमस्ते।